वालेकुम जीशान भाई, लारेब टूर में आपका उमरा का सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा भाई, लारेब टूर जैसा कोई टूर नहीं। और हमारा बूफे वगैरह? बूफे में भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा खाने का मिल रहा था जैसे घर पे भी नहीं मिलता। चार पांच जात के आइटम मिल रही थी, ठंडा साथ में फ्रूट्स कुछ मिल रहा था। खत्म हो गया। होटल वगैरह कैसी लगी मदीने में? मक्के में भी बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास होटल थी, और यहाँ पे मक्का में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होटल थी, रूम भी बड़े थे, बहुत सेटिस्फाई होटल थी। और आपको ज़ियारत वगैरह जो ट्रांसपोर्ट किराया गया, बस कैसी लगी आपको? अल्हम्दुलिल्लाह वो भी वोल्वो बस बहुत अच्छी थी, एसी वाली बहुत अच्छी बस थी। अभी आप अपने दोस्तों को और अपने पहचान वालों में लारेब के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अगर जाना हो टूर के अंदर हज उमरा के लिए तो लारेब टूर्स के सिवाय किसी में जाने का नहीं, लारेब टूर में जाएंगे। और हम वापस आएंगे तब भी लारेब टूर में ही आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। मोहम्मद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सबीर भाई। मोहम्मद भाई, हमारे लारेब के साथ आपका उमरा का सफ़र कैसा रहा, इसके बारे में खुद तफसील देंगे? सफ़र 20 दिन का आपके साथ और आपके जो साथी है उसके साथ बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा। और आपकी जो व्यवस्था है, जो सुविधा है खाने पीने से लेकर सब अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है। अल्हम्दुलिल्लाह लारेब टूर में दूसरी मर्तबा आने का मन करता है इंशाल्लाह। और हमारे खाने पीने का जो इंतज़ाम था बूफे का, वो कैसा लगा आपको? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सब आइटम नाश्ते से लेके रात को खाने तक अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छी आइटम थी। और होटल भी इंशाल्लाह अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया इंशाल्लाह। और अजिन आपको कैसा लगा हमारा खाना पीने का इंतज़ाम और टूर के अंदर जो ज़ियारत वगैरह कराई बस वगैरह? माशाल्लाह बहुत अच्छा था। आपने एंजॉय किया, इबादत वगैरह हो गई आपकी, सारी अरकान वगैरह अच्छे से हुए? सब हो गए। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और हाजी साहब खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का फजल है। हमें सिर्फ इतना पूछना था आपसे कि हमारे आपको हमारी खिदमत लारेब टूर एंड ट्रैवल की, आपके हमारे साथ आपका सफ़र कैसा रहा? लारेब टूर एंड ट्रैवल्स काबिल तारीफ़ है माशाल्लाह। और मैं कहता हूँ कि हर एक को सफ़र लारेब में ही करना चाहिए, क्योंकि एक नंबर है। मैंने देखा जितना तारीफ़ सुना था उससे बेहतर माशाल्लाह लारेब का काम है। हर लाइन से, खाने पीने की लाइन से बुफे खाना खिलाते हैं माशाल्लाह, और ज़ियारत की लाइन से अच्छी बस ढूंढ कर मेहनत करके अच्छी से अच्छी ज़ियारत करवाते हैं। ज़ियारत में भी माशाल्लाह साथ में खाना लेते हैं और पानी वगैरह का भी खूब इंतज़ाम करते हैं। और मुस्तकिल क्या कहते हैं रहबर के साथ इंशाल्लाह ज़ियारत करवाते हैं, और हर हर मकामात पर मुस्तकिल ठहराते हैं और मुस्तकिल बताते हैं कि यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये वाक़ियात हुआ। और बड़ी अच्छी माशाल्लाह एक नंबर, कसम खा के कहा जा सकता है कि एक नंबर टूर है। और माशाल्लाह खाने पीने की लाइन से बात करें तो कोई तकलीफ़ नहीं है, सादा खाना भी है, वेज भी हैं, नॉन वेज भी हैं, दाल चावल भी हैं, और तली हुई चिकन भी, मछली भी, क्या क्या कहें, और ठंडा भी, एक नंबर माशाल्लाह। हर लाइन की खिदमत अच्छी है लारेब की, हम तारीफ़ भी करते हैं और कहते हैं, आवाम से भी कहते हैं कि लारेब में सफ़र करें ताकि अपना सफ़र आसान रहे। और फ़्लाइट में भी माशाल्लाह अच्छा ख्याल रखते हैं और अच्छी फ़्लाइट भी है माशाल्लाह, और हर लाइन से हमारी पूरी पूरी खिदमत की जाती है। और रही बात, तो मुश्किल ये है कि मदीना में जो अभी रियाजुज़्ज़न्ना का मसला है कि भाई रियाजुज़्ज़न्ना में परमिशन नहीं मिलती, लेकिन लारेब वालों ने हमारे सारे साथियों की परमिशन दिलवा कर माशाल्लाह रियाजुज़्ज़न्ना का भी करवाया, हमें रियाजुज़्ज़न्ना का भी मौका मिला। ये बात मैं हर एक से कहता हूँ, और हर एक से गुजारिश ये है कि लारेब को मैं इत्मीनान और मुतमईन होकर कहता हूँ कि मैंने मुस्तकिल सफ़र किया है, और इसमें हमारे रहबर हजरात भी साथ में थे। तो गुजारिश आप तमाम हजरात से हैं कि लारेब में सफ़र करें और एक बार ज़रूर देखें कि लारेब का काम कैसा है। और माशाल्लाह ये अशफाक भाई हैं, ये हमारे अमर भाई हैं, और ये हमारे शब्बीर भाई हैं, और बम्बई से हमारे भाई इकबाल भाई हैं, इन सारों की रहबरी में माशाल्लाह एक नंबर काम हो रहा है। हमें बहुत मज़ा आया, और आइंदा भी इंशाल्लाह नियत करते हैं कि अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ लारेब में ही सफ़र करेंगे। जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर हाजी साहब, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम हाजी नईम, वालिद से हैं।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाजी शब्बीर भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कैसा रहा अल अरब के साथ आपका ये उम्रा का सफ़र? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। ये तो मेरा पहला ही सफ़र था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा। पहले यहाँ से हम मक्का से मक्का रहे एक हफ़्ता, फिर एक हफ़्ता हम मदीने पाक में रहे, बाद में हम अपने वापस हम मक्का शरीफ आए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से अरकान भी हुए, बहुत अच्छा रहा, ज़ियारती भी हुई और हर अमल अच्छी तरीके से हुआ। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह इनका इंतज़ामी लाइन भी बहुत अच्छी है, उमर भाई हैं, शब्बीर भाई हैं, उन्होंने भी बहुत अख्लाक से पेश आए और साथियों से बहुत हमदर्दी से पेश आए। इसके अलावा उनके खाने पीने के अंदर भी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, वक्त पर खाना मिल जाता था, अपने घर की तरह से खाना मिल जाता था और बहुत अच्छा रहता था। अपने घर पे भी इतना ज़्यादा नहीं खाते होंगे, यहाँ इतना ज़्यादा खाते थे और एक आइटम नहीं होती थी, दो दो तीन तीन आइटम होती थी, मटन होता था, सब्जी होती थी, रोटी चावल सलाद ठंडा हो और कुछ ना कुछ फ्राई वाली आइटम भी रहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा खाना, कोई तकलीफ़ नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह कबूल फरमाए। बस जो सफ़र के अंदर जो गलती कोताही हुई अल्लाह माफ़ कर दे हम सबको, आमीन। जज़ाकअल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? हाँ खैरियत, अल्लाह का शुक्र है। बस आपसे एक मुख्तसर सी बात पूछनी थी, हमारे साथ आपका सफ़र कैसा रहा लारेब टूर एंड ट्रैवल के साथ? बहुत अच्छा रहा हाजी साहब, इसमें कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं हुई। मैं तो बीमार आदमी हूँ, कैंसर पीड़ित आदमी हूँ और बहुत सी बीमारी है मेरे में, फिर भी मेरे को एक सेकंड का भी टेंशन नहीं हुआ। और ये सब लोगों ने बहुत अच्छी खिदमत की है, खाने पीने का, होटलों में रहने का, कोई जगह पे कोई परेशानी हमको नहीं दी और अच्छे सारे से सारे अच्छे होटलों में हमको रखा है, इसमें हम लोग को कोई परेशानी है। हम इन लोग को लिए भी दुआ करते हैं कि ये लोग भी ऐसा ही सफ़र सबके साथ करवाए, सब हाजी का ऐसे ही खिदमत करते रहे और जितनी भी खिदमत की वो बहुत अच्छी की है, अल्लाह उसको यहाँ भी अजर दे, अल्लाह के घर पे भी अजर दे, आमीन। जज़ाकअल्लाह खैर, शुक्रिया यूसुफ साहब, शुक्रिया।